की वीडियो में हम अपने मैट्रेस को धूल और गंदगी से बचाने के लिए मैट्रेस कवर बनाएंगे। मैट्रेस कवर बनाने के लिए मैं यहाँ पे पुरानी बेडशीट का यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जिस भी मैट्रेस का हमें कवर बनाना है हम उसका मेजरमेंट ले लेते हैं। मेजरमेंट लेने के लिए मैंने यहाँ पे मैट्रेस से बेडशीट हटा दी है, जिससे आपको आसानी से समझ आ सके कि हम मैट्रेस का मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं। देखिए, इंची टेप को हम इस तरह से यहाँ से रखेंगे, इस तरह, और यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। ये हमारा आ रहा है 46 इंच। मैट्रेस की लंबाई लेने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से यहाँ से नापना शुरू करेंगे। देखिए, इस तरह से इसकी पूरी लंबाई ले लेंगे मैट्रेस के दूसरे सिरे तक। मैट्रेस की लंबाई है 83 इंच, चौड़ाई इसकी 46 इंच है और लंबाई इसकी मैट्रेस की 83 इंच है। देखिए, सबसे पहले हमने डबल बेड की बेडशीट को इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया है। देखिए, इस तरह से फोल्ड कर लिया हमने बेडशीट। अब इस तरह विड्थ है इसकी 46 इंच और लेंथ है इसकी 83 इंच, जो हमारे मैट्रेस का मेजरमेंट है। देखिए, अब हम मैट्रेस का यह हिस्सा नापेंगे। यह है 6 इंच, 6 इंच मोटा मैट्रेस है हमारा। देखिए, हमारा मैट्रेस 6 इंच ही है, तो हम यहाँ पे 6 का हाफ करके 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, इधर से भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह 3x3 का एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अगर आपका मैट्रेस 4 इंच है तो आप उसका हाफ करके 2x2 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे साइड पे। मेरा 6 इंच है तो मैं 3x3 इंच का एक बॉक्स मैंने इस साइड बना लिया है। इसी तरह इस कॉर्नर पे भी 3x3 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। देखिए, इस तरह से इसी तरह हम चारों कॉर्नर में 3x3 इंच के बॉक्स बना लेंगे चारों कॉर्नर्स में। देखिए, चारों तरफ हमने 3x3 इंच के बॉक्स बना लिए हैं। अब हम चारों कॉर्नर्स को इस तरह से कट कर लेंगे, जो हमने बॉक्स बनाए हैं उन्हें कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने चारों कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। अब बेडशीट को हम इस तरह उल्टा करेंगे, उल्टा फोल्ड करेंगे। देखिए, जो ये ओपन साइड है इसे यहाँ से सिलाई से हम पूरे में सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। सीधी सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। इस साइड हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बंद साइड है। अगर ये खुली साइड होती तो इस साइड भी हम एक सिलाई से इसे बंद कर लेते हैं। देखिए, इसे हमने यहाँ से यहाँ तक पूरे में सिलाई लगा ली है लंबाई में। अब देखिए, मैट्रेस का हम यहाँ से, पहले हमने यहाँ से नापा था, अब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ तक इसका मेजरमेंट लेंगे। यह है 36 इंच। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 36 इंच है। देखिए, इसी साइज़ की मैंने एक चैन ले ली है 36 इंच की। और हम बेडशीट को इस तरह से सीधा कर लेंगे यहाँ से। देखिए, इस तरह से बेडशीट हमने सीधी कर ली है। देखिए, हम बेडशीट को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, चैन को इस तरह से किनारे किनारे की सिलाई लगाकर इस तरह कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ से यहाँ तक चैन को सिलाई से इस हिस्से में जोड़ लेंगे। देखिए, इस तरह से सिलाई से यहाँ तक जोड़ लेंगे। देखिए, इस तरह से सिलाई से हमने यहाँ तक चैन जोड़ दिए इस हिस्से में। अब हम एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक और लगा लेंगे, जिससे कि जब हम चैन खोलें तो हमारा ये हिस्सा चैन में फंसे ना, इसलिए यहाँ पे इस तरह से एक सिलाई और लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए, इस तरह से हमने एक सिलाई और लगा ली है यहाँ पे। इस तरह हमारे ये हिस्सा चैन खोलते हुए ये हिस्सा हमारा ऊपर फंसेगा नहीं यहाँ पे। इस तरह से पूरे में एक सिलाई लगा ली है। अब हम बेडशीट का ये वाला हिस्सा लेंगे, इस तरह से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, चैन लेंगे और इसे भी यहाँ से इस तरह रखते हुए सिलाई से इसमें भी चैन को इस तरह सिलाई लगाते हुए जोड़ लेंगे। चैन का दूसरा हिस्सा इसमें जोड़ लेंगे सिलाई लगा के यहाँ से यहाँ तक। आप चैन की जगह यहाँ पे डोरी भी लगा सकते हैं बांधने के लिए। अब हम इसे इस तरह से फिर से उल्टा करेंगे, इसे उल्टा करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसे रखेंगे। एक साइड में हमने उस तरह चैन लगा दी है, अब दूसरी साइड हम इस तरह से इस तरह रखते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक एक सीधी सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम इन कॉर्नर्स को इस तरह पकड़ेंगे इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से एक कॉर्नर में हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह हम
दूसरा कॉर्नर पकड़ेंगे, देखिए इसे इस तरह पकड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे इसमें भी, और इस तरह बाकी के कॉर्नर्स में भी हम इस तरह सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह हमने चारों कॉर्नर्स पे सिलाई कर लिया हमने। अब हम इसे यहाँ से सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने सीधा कर लिया इसे। अब मैं इसे आपको गद्दे में डाल के दिखाती हूँ। देखिए मैट्रेस पर मैंने कवर चढ़ा दिया है, देखिए इस तरह। देखिए इस तरह आप यहाँ से इसे निकाल के कवर को धो भी सकते हैं। देखिए इस तरह बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है इसकी। इसी तरीके से हम दूसरे मैट्रेस का कवर भी बनाएंगे।